तो ये जो मेरे सामने खड़े हुए हैं इनकी एज 30 इयर्स है और ब्रेस्ट का डेवलपमेंट अच्छा ही है, लेकिन अगर इन प्रोपोर्शन बॉडी को देखेंगे हम तो थोड़ा सा टमी की वजह से ब्रेस्ट का डेवलपमेंट थोड़ा कम लग रहा है। ओवरऑल ओवर द टाइम थोड़ा सा एट्रॉफी भी हुआ है, लेकिन जो डेवलपमेंट था, इनिशियल डेवलपमेंट था, वो भी ठीक ही था। ये डमी इम्प्लांट्स हैं। तो ब्रेस्ट जो बेसिकली ऑगमेंटेशन कराने का सबसे बड़ा पर्पस जो था इनका, कि ब्रेस्ट बहुत छोटी सी लग रही थी, ब्रेस्ट छोटी होने की वजह से वो ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन यानी ब्रेस्ट इनलार्जमेंट कराना चाहते थे। तो इन्होंने ये चूज़ किया कि हम जो है मोटिवा का इम्प्लांट कराएंगे। तो बाइलेटरल आज ये जो है 440 cc का इम्प्लांट होगा। ये प्रोग्रेसिव जेल है जो कि दोनों पॉकेट के अंदर, ब्रेस्ट की जो दोनों पॉकेट होंगी आज उनके अंदर इंट्रोड्यूस करने के बाद में बेसिकली एक ऑगमेंटेड शेप नज़र आएगा। तो जो अगर एक्सटेंशन देखेंगे तो ब्रेस्ट का एक ऑलरेडी एक डेवलपमेंट है, तो हमको ऑलरेडी मीडियल मार्जिन यहाँ पे दोनों साइड में मिल रही है। लेटरली हम एक्सटेंड करें तो ये एक्जिला की तरफ ये जा रही है, ये एक्जिलरी टेल्स दोनों नज़र आ रही हैं। ये एक्जिलरी टेल राइट साइड की प्रोमिनेंट है, लेफ्ट साइड की थोड़ी सी कम है। और अगर इन्फीरियर मार्जिन पे जाएंगे तो वेल डिमार्केटेड इन्फीरियर मार्जिन नज़र आ रही है। अगर पुश करते हैं हम इसको अपर मार्जिन, हमको वेल डिमार्केटेड अपर मार्जिन भी मिल रही है। तो इसी को सेंटर करते हुए हम जो है आज दोनों ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, बाइलेटरल ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन पॉसिबल है और कर पाएंगे। नर्वस नहीं है तो? नहीं, ठीक है, ठीक है, ओके। तो हम प्रोसीड करते हैं और जो है हम ओटी का थोड़े से स्टेप जो दिखा पाएंगे, और इसके अलावा जो है पोस्ट ऑपरेटिव हम जो इनका रिजल्ट होगा वो भी दिखाएंगे। ठीक,